अकीदतमंद गोंडा यानी महनून विधानसभा से भी मुझे मिले और उनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या देखा और हजरत के बारे में उन्हें कितनी मालूमात है, वो मुरीदीन हैं या चाहने वाले हैं, बहुत सारी बात होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद खान हसमती जी। खान साहब, ये मुझे बताइए कि कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं महनून बाजार विधानसभा से लेकर जी। तो यहाँ आप 3-4 दिन से रुके हैं कि अभी आज आए हैं? नहीं, मैं 2-3 दिन से रुका हूँ जी। जब से सरकार का पीर साहब का जनाजा आया है तब से मैं उन्हीं के पास हूँ, उन्हीं के साथ ही हूँ और उन्हीं के जनाजे पे मैं धुनी दे रहा हूँ। जनाजे की नमाज में आपने बहुत सारी भीड़ देखी होगी, आपको इस तरह की भीड़ और कहीं दिखाई पड़ी? नहीं जी, नहीं जी। ऐसा भीड़ मैं कभी नहीं देखा अपने बचपन से, कभी आज तक देखा ही नहीं। और पीर मुर्शिद का ऐसा कर्म था हमारे ऊपर कि मैं एकदम मरने के स्टेट पे था जी, लेकिन सरकार की ऐसी कर्म हो गई कि मैं महनून बाजार विधानसभा से पैदल चला हूँ। चलते चलते जब मेरा पैर में जब तारकुल चिप गया तो जब नहीं चल पाया मैं तो बकैया रेहरा तक मैं आया हूँ। और मेरे बाप और मेरी माँ ने जब हमको यहाँ रेहरा बाजार में पकड़े हैं, फिर वहाँ से लेके आए पीर के बारगाह में छोड़ दिए हैं। चाहे जिलाओ चाहे मिलाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर हजरत ने हमको पानी दिया, पूरा धुले, जो जख्म था सब खत्म हो गया। तब से मैं पीर अपने पीर मुर्शिद का इतना दीवाना हो गया हूँ कि कोई भी चीज़ हो तो पहले मैं पहुँचता हूँ। मैं ऐसा दीवाना हूँ। हमारे पीर मुर्शिद कहीं हॉस्पिटल खोल के नहीं रखे थे, लेकिन उनके जबान से क्या निकला आज मुझे ज़िंदगी मिल गई। ये कब की बात है? ये 2002 की बात या 2003 की बात है जी। कोई बीमारी आपको हो गई थी? कुछ भी नहीं था, हमें बीमारी कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हमारे पीर मुर्शिद जाने। जब से हमारे पीर मुर्शिद का हमारे सर पे करम हुआ तब से मैं आज जिंदा हूँ और मुझे कोई चीज़ की तकलीफ़ भी नहीं, ना कोई चीज़ की परेशानी आज तक आई। अभी हमारा थोड़ी देर बाद तबीयत खराब हुआ, मैंने रो रो के मेहरान जब भैया को पकड़ा, रोने लगा, उसने पूछा क्या तकलीफ़, मैं बोला अभी मैं खाना गया, खाना एकदम तीखा तीखा लगने लगा। हजरत ने ठीक है पानी मंगाया, मैं पानी लेके आया और आस्ताने से 3 फूल डाल दिए हजरत मेहरान जा भैया ने, और मैं वही पानी पिया, अभी ठीक ठाक हो गया, अभी कोई परेशानी हमको नहीं है। अभी आधे घंटे बाद मुझको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मैं रो रहा था, पीर साहब को उसे पकड़ के रो रहा था, पैर गिर गया मेरा नजर भैया को, उन्होंने करामत की और अब मुझे शिफा मिल गया। लंगर शरीफ यहाँ पर चल रही थी, कितनी भीड़ रही होगी, कितने लोगों का खाना बना था, आप तो वहाँ शामिल थे? हाँ, खाना में शामिल थे, बहुत आदमी थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि कितना आदमी यहाँ पे हैं। खिलाने पिलाने की शुरुआत कब की गई? सुबह से ही हाँ, सुबह से ही काम, रात से ही तो काम चालू ही है, सुबह से काम चालू ही है, ठीक है। और जुहर के बाद, नमाज के बाद, जुमा के नमाज के बाद इंशाल्लाह लंगर खाना शुरू हो गया। हमारे पूर्व पीर मुर्शिद का ऐसा कर्म हुआ कि अभी तक चल ही रहा है, लंगर चल ही रहा है, खाना कम नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये हमारे पीर मुर्शिद का कर्म कहां है, कहां से हैं आप? पिबरा माहिम से जी। ये हमारे पीर मुर्शिद का कर्म है कि लंगर जब तक कभी भी कोई भी लंगर, जैसे हुए जैसे ईद का लंगर हुआ, उसमें भी कमी हमारे मुसाहिदे मिल्लत का इतना करम हो जाता है, इतना बरक्कत हो जाता है, कभी चाहे वो 50,000 आदमी होए, चाहे वो 10,000 आदमी होए, चाहे वो 1,00,000 आदमी होए, आज आरिफ अनवर हाशमी ने इतना बड़ा लंगर किए हैं, हाँ, उसके बाद में कमी हमारे में, हजरत में कमी हो ही नहीं सकता है। आज तक मैं पैदा हुआ, इतना बड़ा हुआ पिपरा माहिम में, इतना चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो दाल गोश हो, किसका भी हम लोग लंगर करते हैं, कमी मुसाहिदे। एक बात और मुझे बताया कि हजरत के चाहने वाले जैसे आते यहाँ थे, हाँ, तो पैसा वैसा वो लेते थे अपने मुरीदों से? नहीं, ये हजरत अगर पैसे की बात करते हमारे पीर मुर्शिद से तो लात मार के सीधा बाहर जाते थे आदमी तुरंत। ये हमारे पीर मुर्शिद का करम है, अगर एक गरीब भी बुलाता तो वो गरीब के पास पहले जाते या अमीर के पास नहीं जाते। भले मान लिए आरिफ अनवर हाशमी इतने बड़े नेता हैं, आज उन्होंने इतना किए, लेकिन पैसे का बात करते तो गेट से बाहर हो जाते। क्या नाम लिखते हैं आप? अब्दुल वहीद पिपरा माहिम। मैं मेहरान रजा भैया का खास मानने वाला हूँ। हमारे साथ इसी गाँव के ग्राम प्रधान हैं और इन्होंने बहुत सारे मंजर देखे होंगे। आइए प्रधान जी से हम मिलते हैं। प्रधान जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, क्या नाम आप लिखते हैं? इसरार अहमद। इसरार भाई, ये मुझे बताइए कि जनाजे की नमाज को आपने देखा होगा जी, कितनी भीड़ रही होगी आपके?
कोई शुमार ही नहीं लगा सकता है कितनी भीड़ थी। तीन चार दिनों का मंजर आपने देखा, कितने लोग आए कितने लोग गए? कोई शुमार, पत्रकार हो या कोई भी हो, कोई कुछ शुमार नहीं लगा सकता। एक बात और बताइए कि आप ये तो यहीं के रहने वाले हैं ना, अब बहुत सारे पीर होते हैं जो वसूली करने लगते हैं और उन्हीं को लोग मानते भी हैं, ऐसा कुछ यहाँ? कुछ भी नहीं, आज भी वो देखिए गेट के बाहर, उसको कैमरा उधर ऑन करके देखिए, वहाँ पे आज भी ये लिखा हुआ चस्पा किया हुआ है कि अगर कोई पैसा मांगता हुआ यहाँ मिल जाए तो बड़े हजरत से शिकायत करिए। तो यहाँ सब सारा चीज़ फ्री हो रहा था और बहुत दूर दूर से लोग आते थे, इसमें रहते थे भी, खाना भी खाते थे, दो चार दिन तक के उनको ठहरने का मौका मिलता था, जब ठीक होते थे तो जाते थे। तो यहाँ के मुरीदों का ये आलम है कि हजरत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैरून मुल्क जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ से भी हजरत के चाहने वालों के फ़ोन कॉल्स आए, उनकी ज़ियारत उन्होंने व्हाट्सअप कॉल के दौरान की। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे इंडिया टाइम्स न्यूज़।